कसारा का फ्लाईओवर। ये मेरे सामने कसारा है, बरसात के मौसम देख सकते हो कितना हरा भरा है बरसात के मौसम में। तो चलते हैं नीचे, तब वो नीचे का नज़ारा दिखाते हैं। और जब भी आप यूपी के लिए सफ़र करते होंगे तो कसारा स्टेशन आपके जरूर पड़ता है। काशी एक्सप्रेस गोरखपुर से आ रही है। ये देखो ऑयल टैंक जा रही है। अब नज़ारे देख ही सकते कितने खूबसूरत से नज़ारे है बरसात के मौसम में। अभी ऑलरेडी बरसात हो ही रही है। कितना बड़ा यार, सब ये ब्लैक ऑयल है जो आप देख रहे हो, उस पर लिखा भी है ब्लैक ऑयल। जैसे पेट्रोल जाता है पेट्रोल लिखा रहेगा, लोग ऐसा ऑयल गिर रहा, पानी है यार वो। क्या खूबसूरत नज़ारे यार, मैं गर्मी के टाइम पे आते थे भाई इतने मतलब हरे भरे नहीं थे, अब इस टाइम क्या बरसात का मौसम है और चारों तरफ पहाड़ है इसलिए और हरे भरे हो गए हैं। हमारे एक न्यू ब्लॉग में तो आज मैं आया हूँ कसारा स्टेशन, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कसारा स्टेशन का। तो उस टाइम मैं गर्मी में आया था, उस टाइम मैं बरसात के मौसम में आया हूँ। बरसात के मौसम में जानते ही चारों तरफ हरा भरा हो सकता है। मेरे पीछे देखो पेट्रोल टैंक जा रही, ऑयल टैंक जा रही है, मेरे पीछे कसारा मतलब काशी एक्सप्रेस गोरखपुर से आ रही है, लोकमान्य तिलक जा रही है। देख सकते खूबसूरत नज़ारे हैं बरसात का मौसम यार, तो नज़ारे दिखाते हैं आपको पूरे प्लेटफॉर्म को। टोटल यहाँ प्लेटफॉर्म 7 है, जिसमें से एक प्लेटफॉर्म पे ओनली लोकल चलती है और 7-6 पे ओनली मेल आती है। देख सकते हो कमाल का व्यू यार, यहीं से हर ट्रेन के इंजन लगता है और चेंज होता है। कसारा तीन तीन इंजन लगा था भाई धक्का देने के लिए, इसलिए ऊपर क्या है चढ़ाने ना इसके लिए गतपुर के साइड। देख सकते हो कसारा स्टेशन, यहाँ बहुत सारे इंजन लोकोमोटिव खड़े रहते यार। यह है प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये 2, टोटल 7 प्लेटफॉर्म है। मैं लास्ट तक आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म के। ये प्लेटफॉर्म पूरा सुनसान है यार, इसलिए कि यार यहाँ पे लोकल भी बहुत कम आती है, जो अपनी मुंबई से लोकल चलती है, मुंबई वाली लोकल बहुत कम आती है। यहाँ पे अक्सर मेल ही रुकता है, कोई कोई मेल का यहाँ पे स्टॉप रहता है, नहीं तो अक्सर हर मेल रुकता है। देख सकते हो सिग्नल मिला है, क्या बात है, किसको सिग्नल मिला भाई, अनाउंसमेंट करे। मैं पीछे देख सकते हो लास्ट तक मैं आ चुका हूँ, कमाल का व्यू है ऊपर से बरसात का मौसम है यार। और यहाँ पे देखो लास्ट वहाँ लोकल खड़ी है, कभी कभी 1-2 प्लेटफॉर्म भी लोकल आ जाती है, नहीं तो अक्सर 7 प्लेटफॉर्म जाके लोकल खड़ी होती है, समझ रहे हो। देख सकते हैं ज़्यादा यहाँ प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, नॉर्मल सा है। देखो लोकल जा रही है, टेंशन ना लो, दूसरी लोकल आती रहती है यहाँ पे, एक जाएगी एक आधे घंटे में आएगी। सामने इंजन देख रहे हो, इंजन बहुत जूना है। बताओ हर इंजन में ऐसा कल्याण, इटारसी, जबलपुर ऐसा क्यों लिखा रहता है? आप लोग कभी कंफ्यूज होंगे ना यार, ये कल्याण क्यों लिखा है, कल्याण जाएगी लगता है, नहीं यार ये कल्याण मतलब कल्याण से मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, जहाँ कल्याण यार्ड होता है वहाँ से ये इंजन बना है, इसके लिए वहाँ पे कल्याण लिखा रहता है। जैसे इटारसी से बनेगा तो इटारसी लिखा रहेगा, वाराणसी से बने तो वाराणसी, जहाँ बनारस तो बनारस लिखा रहेगा, ऐसा वैसा। देख सकते हो इंजन बहुत आवाज़ करता है, देखो यार ये सब जूने इंजन है, WAG 7, सबके कोड रहते, सबके नाम लिखे रहते हैं। अक्सर यहाँ पे सभी इंजन देखो डबल ही लगे रहते हैं, क्योंकि भाई जब चढ़ान चढ़ती है ना इंजन, तो इंजन ही भाई नहीं चढ़ पाती, क्या डबल डबल इंजन लगाया रहता है कि डबल पावर मिलेगा तो फटाफट चढ़ेगी। देख रहे हो तक कोई ट्रेन नहीं आ रहा है यार, पूरा सुनसान प्लेटफॉर्म लग रहा है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आया था इधर तो ट्रेन थी, एक कमायनी एक्सप्रेस और एक और ट्रेन कोई थी गोरखपुर वाली कोई थी ऐसी। ये देखो और इसके आगे भाई जो पहाड़ आता है ना यार, जो गुफे आते हैं ना कमाल के, मतलब वो नज़ारे बहुत डिफरेंट होते हैं यार इगतपुरी तक। 2-2.5 घंटा लगता है ट्रेन को भी इगतपुरी यहाँ से पहुँचने में, कसारा से चाहे 1-1.5 घंटा लगता होगा कुछ ऐसा। वहाँ से व्यू देखो कसारा का,
कितना सुनसान प्लेटफॉर्म है यार, कोई ट्रेन ही नहीं आ रहा है अभी तक, क्या ही। ये देखो यहाँ की पटरियाँ, देखो देख रहे हो ना, चारों तरफ महाराष्ट्र का गांव है, देखो पहाड़ी इलाका है पूरा, पूरा चारों तरफ पहाड़ी इलाका है। गर्मी लग रही है यार, यहाँ पे हवा ही नहीं चल रहा बिल्कुल भी, ऐसे लग रहा है आउस रहा है पूरा मौसम। तो आज के लिए ब्लॉग इतना ही, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करो यार। भागलपुर देखे क्या, कितना तेज भाग रही थी भाई, एक मिनट भी नहीं रुकी, एक मिनट क्या 30 सेकंड में जो चली गई, इससे लोकल नहीं आती है, 20 सेकंड में वैसे चली गई तुरंत। तो आज के लिए इतना, आपने देखा कसारा का मौसम कैसा है, बरसात के मौसम में बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है कसारा, और इगतपुर में तो भाई जाओ तो और ही मज़ा कुछ और आएगा। देख सकते हो मेरे अगल बगल यार, यहाँ पे कोई भी ट्रेन नहीं आ रही, मतलब बहुत कम ट्रेन आ रही, देख सकते हो मेरे अगल बगल पूरा एकदम ब्यूटीफुल सा। तो आज के लिए इतना, अभी अपना ख्याल रखो, समझ गए, जय हिंद जय भारत।